फ्रेंड्स के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको टोटल 10 या 11 स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये लेकर डाउट रहता है कि हमें तो स्कॉलरशिप मिलनी ही नहीं है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं बनी है। तो SC ST OBC और जनरल कैटेगरी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप रखी गई है। बारी बारी से मैं एक एक स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताऊँगा। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने हर स्कॉलरशिप का लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं और उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हमें यह स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो जो है वो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप अपना फॉर्म जो है वो आराम से भर पाओ। सबसे पहले स्कॉलरशिप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये है LIC HFL विद्याधन की तरफ से, LIC की तरफ से है ये। और इसके अंदर जो है अगर आपने 10th पास की है तो आप 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप यहाँ पे ले सकते हैं, और +1 और +2 दो क्लासों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। 15,000 रुपये यानी कि टोटल 30,000 रुपये जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप व्यू डिटेल पे ओके करोगे तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे से इसकी पूरी डिटेल जो है ले सकते हैं। और इसके अंदर जो है गर्ल स्टूडेंट ही इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। कहीं से भी आप गर्ल स्टूडेंट हैं किसी भी स्टेट से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एनुअल इनकम है वो 3,60,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए, और आपने जो 10th पास की है वो कम से कम 60% से पास की हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप 15,000 रुपये दी जाएगी +1 के लिए, और +2 के लिए दोबारा से 15,000 रुपये यानी कि 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं 12th के बाद, अगर आपने 12th पास की है वो 30 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप जो है वो हर साल दी जाएगी, यानी कि 3 साल में आपको 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप है मिलने वाली है। और इसके अंदर भी इनकम क्राइटेरिया 3,60,000 रुपये रखा गया है, और आपकी ने जो 12th पास की है वो कम से कम 60% से पास की हो, और डॉक्यूमेंट वगैरह जो हो यहाँ पे दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका अगर एडमिशन है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो है 20,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा, यानी कि 2 साल में आपको टोटल 40,000 रुपये मिलेंगे। इनकम क्राइटेरिया आपका वही है 3,60,000 रुपये, और 60% जो है आपने अंडर ग्रेजुएशन जो BA या BSc या BCom पास की है उसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। अगर मैं आगे बात करूँ इसी तरह तो आगे जो स्कॉलरशिप है वो है HDFC बैंक परिवर्तन की तरफ से, और HDFC बैंक की तरफ से ये दी जाती है। और इसके अंदर जो है आप फर्स्ट क्लास से लेकर इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास से 6th क्लास तक में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप 7th क्लास से 12th क्लास डिप्लोमा ITI या पॉलिटेक्निकल के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर 18,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पर आपके जो इनकम क्राइटेरिया है वो 2.5 लाख या इससे कम होना चाहिए, और इसके लिए आपने जो लास्ट क्वालिफिकेशन पास की है वो कम से कम आपकी 55% होनी चाहिए। यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर ली है और आप ग्रेजुएशन में अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं यानी कि UG में पढ़ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो जनरल कोर्स है उसके लिए 30,000 रुपये और प्रोफेशनल कोर्स है उसके लिए 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाती है। अगर मैं बात करूँ जनरल और प्रोफेशनल कोर्स के बारे में तो जनरल कोर्स में आपका BCom BSc BA या BCA इस तरह के कोर्स आते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल कोर्स की तो प्रोफेशनल कोर्स में BTech MBBA LLB नर्सिंग इस तरह के कोर्स जो हैं वो आपके प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में यहाँ पर 50,000 रुपये है, और जनरल कोर्स में यहाँ पर 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इनकम क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 2.5 लाख या इससे कम जो है आपकी इनकम क्राइटेरिया होनी चाहिए, और जो लास्ट एग्जाम आपने पास किया है वो कम से कम 55% से पास किया होना ज़रूरी है। अगर मैं आगे बात करूँ तो आगे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पर जनरल कोर्स के लिए 35,000 रुपये और प्रोफेशनल कोर्स के लिए यहाँ पर 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर मैं बात करूँ तो आगे है आपके हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आपकी लेबर कापी है, आप एक मजदूर वर्ग से संबंध रखते हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट क्लास से 8th क्लास के लिए आपको हर साल 8,000 रुपये दिए जाते हैं, तो यानी कि यहाँ पर 64,000 रुपये जो है
है वो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ 9th class से 12th class के लिए या फिर ITI कोर्स के लिए तो 10,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर आप BA BSc BCOM कर रहे हैं तो 15,000 रुपये प्रतिवर्ष। अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, आप अधिक जानकारी के लिए वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है इसके अंदर। अगली जो स्कॉलरशिप रहने वाली है वो है आपकी हर छात्रवृत्ति। ये सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंध रखता हो। यहाँ पर काफ़ी सारी स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो सिर्फ एससी कैटेगरी के लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिनको बैकवर्ड क्लास वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी स्कीम जहाँ पर NE लिखा हुआ है और NA लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर न तो कोई इनकम का क्राइटेरिया रखा गया है, न ही कोई कास्टिज्म यहाँ पर रखी गई है। आप किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हो, किसी भी कास्ट से संबंध रखते हो, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, आप यहां पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको स्कीम की पूरी जानकारी लेनी है जैसे मैं चाहूँ आपको बताना, तो ये जो हरियाणा स्टेट मेरिटोरियस इंसेंटिव स्कीम है CBSE के लिए, गवर्नमेंट एडेड और सेल्फ फाइनेंस सभी कॉलेज इसको अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। इसकी पूरी डिटेल अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर स्कीम एंड डॉक्यूमेंट एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दिया गया है, आप इस पे ओके करोगे तो इसका जो भी चीज़ें हैं वो टोटली आपको यहाँ पर एक अलग PDF में बताई जाएंगी कि कैसे आपको इसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में, तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप आपकी कोटक कन्या स्कॉलरशिप। कोटक की तरफ से स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और ये सिर्फ गर्ल स्टूडेंट के लिए ही है, और गर्ल स्टूडेंट में भी कुछ कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप MBBS कर रहे हैं या फिर LLB इंटीग्रेटेड कोर्स जो है 5 साल का वो कर रहे हैं, या फिर कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हैं जिसमें डिजाइनिंग आर्किटेक्चर एक्सेट्रा आते हैं, तो कोई भी कोर्स अगर आप इस टाइप का कर रहे हैं तो आप इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो स्कॉलरशिप है वो 6 लाख रुपए तक दी जाएगी, और स्कॉलरशिप के अंदर जो है आपको 12th जो आपने पास की है उसमें कम से कम आपके 85% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। और जो ये 6 लाख रुपये की बात है स्कॉलरशिप की, तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के फीस के अकॉर्डिंग। आपके जो कॉलेज की फीस होगी उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप जो हो प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, और पूरे 6 लाख स्कॉलरशिप भी हो सकती है। लास्ट डेट जो है आपकी 30 सितंबर यहाँ पे रखी गई है। अगर मैं आगे बात करूँ तो आगे है आपका रोल्स रॉयस 29 स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ये भी सभी जो स्कॉलरशिप हैं ये सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हैं, और ये भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट गर्ल होनी चाहिए। अगर आप गर्ल हैं और इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर की हो, या फाइनल ईयर की स्टूडेंट हो, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। आपकी 10th और 12th में जो मार्क्स हैं वो 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ओपन फॉर स्टूडेंट फॉर पैन इंडिया, यानी कि आप इंडिया की निवासी हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो बेनिफिट है यहाँ पर 35,000 रुपये का दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक में चेक जाके कर सकते हैं। आगे मैं बात करूँ तो आगे जो हमारी स्कॉलरशिप है वो आपकी स्कॉलरशिप रहने वाली है अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के बारे में। तो यहाँ पर आपको अगर आपने 10th पास की है तो शहरी क्षेत्र में 70% और ग्रामीण क्षेत्र में 60%। अगर आपको यहाँ पर 8,000 रुपये की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, आप किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हो, अगर आपने 10th पास की है और आप फिलहाल +1 class के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल यहां पर रहेंगे। आगे मैं बात करूं 12th क्लास के लिए, तो 12th क्लास के लिए भी आप इसके लिए 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आगे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप आप यहां पर ले सकते हैं, और ये सिर्फ 12th पास और ग्रेजुएशन जो है SC कैटेगरी के लिए ही रहेगा, अदर कैटेगरी इसको अप्लाई नहीं कर सकती। आगे मैं बात करूं तो आगे आपका है यहाँ पर NPS नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पर भी काफ़ी सारी स्कीमें आती हैं। अगर आप NPS में भाग लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसकी भी प्रॉपर जानकारी हम आपको एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। आगे जो स्कॉलरशिप है हमारी वो है आपकी आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप, और यहाँ पर आपको जो है स्कॉलरशिप तरह तरह की दी जाती है। आप फर्स्ट क्लास से लेकर जिस क्लास से पढ़ना चाहते हो, जिस क्लास में पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। फर्स्ट क्लास से 8th class तक आपको 18,000 रुपये, 9th class से 12th class के लिए आपको 24,000 रुपये, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 36,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 60,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप यहाँ पर देखने को मिलेगी। व्यू डिटेल पे आप ओके करके इसकी कंप्लीट जानकारी जो हो देख सकते हैं, लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे जो है आपका ये आपके JK लक्ष्मी की तरफ से स्कॉलरशिप है, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप जो हो यहाँ पर दिखाई गई हैं। आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप यहाँ पर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।